तो फ्रेंड्स, पुरानी कथाओं और मान्यताओं के हिसाब से बाबा सोडल जी का जन्म जलंधर में एक चड्डा परिवार में हुआ था। तो हे वाईटी फैमिली, दिस इज अनमोल कपूर, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो अभी का सीन कुछ ये है कि अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और मैं जा रहा हूँ ऊपर अपनी एक्सरसाइज लगाने हैं, हाथों लगानी है मैंने चेस्ट। तो चलते हैं सीधा ऊपर। और आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होगा क्योंकि आज मैं आपको जलंधर के मशहूर मंदिर बाबा सोडल जी के दर्शन कराऊंगा। वैसे तो वहां पर मेले चल रहे हैं, बट कोई बात नहीं, मेरे भाई की ड्यूटी लगी है, अंदर जाके सीधा मंदिर के आपको दर्शन कराऊंगा पूरे पूरे। फटाफट अपनी चेस्ट एक्सरसाइज लगा लूं। तो फाइनली फ्रेंड्स, वर्कआउट कम्प्लीट हो गया, मस्त वाला पंप आ गया। अभी चलते हैं नीचे और अपनी डाइट लेते हैं। तो अभी मैंने नहा लिया है, रात को चने रखे थे, अभी चने खाते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं आपको। तो फ्रेंड्स, अभी घड़ी इशारा कर रही है दोपहर के 3 बजने का, तो वैसे तो 15 मिनट आगे है घड़ी। तो अभी मैं जा रहा हूँ हर्ष के घर क्योंकि आज मैं कराऊंगा जलंधर के मशहूर मंदिर बाबा सोडल जी के दर्शन आपको। वैसे तो जाना एक्टिवा पे ही है, बट अभी मैं हर्ष से पूछ लेता हूँ ना कि उसने कब जाना है। तो अभी पैदल चलते हैं, हर्ष के घर जाते हैं, फिर एक्टिवा उठाएंगे, फिर चलेंगे मंदिर के दर्शन कराएंगे आप। और हाँ, आज मेला भी लगा हुआ है तो मेले के सारे सामान वगैरह भी आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये आ रहा है हमारा मासूम सा बच्चा स्कूल से, तो अभी लेके इसको चलते हैं, कपड़े डालेगा फिर ये, फिर चलेंगे। स्लिप अंजे अंजे, जकारा बाबा सोडल जी दा बोल साचे दरबार की जय। तो हर्ष को उसके घर से ले लिया है, अभी चलते हैं जलंधर के मशहूर बाबा सोडल जी के मंदिर में और आपको आज मेला भी दिखाएंगे और लाए पूरे दर्शन भी कराएंगे। तो अभी चलते हैं। तो फाइनली गाइस, हम मंदिर पहुंच चुके हैं, अभी लेते हैं सिनेमैटिक और चलते हैं फिर मंदिर के अंदर। तो गाइस, हम एंट्री गेट पे पहुंच चुके हैं, ये रही एंट्री गेट, लाइनें लगी हुई हैं। वैसे तो हमने जाना है पीछे के रास्ते थे क्योंकि भाई की लगी हुई है यहाँ पर ड्यूटी, तो अभी चलते हैं सीधा अंदर। तो जैसा कि आप देख सकते हो, देखो भीड़ कितनी लगी हुई है, अभी हम जाएंगे पीछे वाले रास्ते से। तो गाइस, अभी भाई को कॉल करने लगा हूं। तो अभी भाई को कॉल कर दिया, वो कह रहे हैं मेन गेट पे ही आ जा, पिछले गेट पे नहीं लगी ड्यूटी, तो अभी मेन गेट पे ही सीधा हमारी एंट्री होगी। तो ये खड़ा मेरा भाई, भाई फाइनली भाई ने एंट्री दिलवा दी है, अभी चलते हैं सीधा आपको दर्शन कराते हैं मंदिर के। दर्शन करने के लिए भक्त लगे हुए हैं लाइन पे, ये तो हमारी कॉलोनी के भी 2-3 लफंडर इधर सेवा करा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, पुरानी कथाओं और मान्यताओं के हिसाब से बाबा सोडल जी का जन्म जलंधर में एक चड्डा परिवार में हुआ था, और साथ में ये भी कहा जाता है कि चड्डा परिवार की एक औरत एक ऋषि मुनि की सेवा बहुत करती होती थी, पर वो चड्डा परिवार की औरत का कोई भी पुत्र नहीं था, तो उन्होंने वो ऋषि मुनि से वरदान मांगा था कि मुझे एक पुत्र हो जाए। तो बाद में कुछ सालों के बाद उनका एक पुत्र भी हो गया था, तो जिसका नाम उन्होंने बाबा सोडल रखा था। तो जैसे जैसे बाबा सोडल जी बड़े होते गए, तो उनकी शरारतें भी काफी ज्यादा बड़ी होती गई। तो एक दिन पता क्या हुआ, बाबा सोडल जी और उनकी माता जी एक नदी के किनारे गए थे, उनकी माता जी वहाँ पर कपड़े धो रही थी, तो बाबा जी बहुत ज्यादा शैतानी कर रहे थे। तो फिर बाबा जी शैतानी कर रहे थे, तो उनकी माता जी ने उनको डांट दिया था। तो फिर उनकी माता जी ने उनको कहा था कि जाके सीधा तालाब में जाके डूब मरो। तो वही तालाब के बीच में से बाबा सोडल जी शेषनाग के रूप में से प्रकट हुए थे। तो गाइस, तो ये है एक्सिट पॉइंट, वो है हमारा एंट्री पॉइंट, तो वहां से हम एंट्री लेंगे और यहां से एक्सिट लेंगे। सो गाइस, ये है वो बाबा सोडल जी की प्रतिमा। तो अभी एक बच्ची दूध चढ़ा रही है और देखो वो नीचे लस्सी और दूध का मिक्सचर है। अभी दर्शन कर लिए हैं, अभी चलते हैं मार्केट में घूमने के बाद। हम अंदर आ गए साईं जी के दरबार में, तो अभी मथा टेकते हैं। तो अभी मेरे फोन की बैटरी रह गई है कुछ 60%, अभी इस फोन को चार्ज लगाते हैं, थोड़ा सा रेस्ट भी देना चाहिए फोन को। तो यहाँ पे तो पंक्तों पे भी कुछ लिखा हुआ है, लगता है जिन्होंने अपनी श्रद्धा से दान किए हैं। तो पिछले आधे घंटे से इधर बैठे हुए हैं, अभी बारिश रुकी है, अभी चलते हैं सीधा बाहर। तो अभी डालते हैं अपने शूज। तो गाइस, ये मंदिर तो ज्यादा भीड़ हुई पड़ी, तो इधर नहीं जाते, अभी चलते हैं सीधा मार्केट। मार्केट में हर्ष ने लेनी है कुछ अपनी आइटम, तो फिर अभी लेते हैं मार्केट जाके। तो मार्केट में तो भीड़ ही बहुत ज्यादा हुई पड़ी है, चलने की जगह नहीं है।
गाइस बहुत ले लिया, क्यूरन की ली है, ये देखो कैसी है। हर्ष की रिंग तो मिली नहीं, हर्ष कैसा फील हो रहा है? केले लेने रुके हुए थे, दर्जन केले। तो मैं जैसे पार्क पहुंचा वैसे ही मेरा माइक बंद हो गया, चल ही नहीं रहा था और मेरा माइक बिल्कुल डैमेज हो गया। तो फ्रेंड्स अभी मैच खत्म हो गया, आज मैंने मारे 7 या 8 गोल मैंने मारे और हर्ष ने 10 गोल मारे और देखो कैसे पसी। तो आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही, आगे मिलता हूँ आपको एक न्यू ब्लॉग के साथ और एक नए किस्से के साथ। आई होप गाइस आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।